तो कैसे हैं आप लोग? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मार्वल वालों की बिगेस्ट मूवी का ट्रेलर लेके आऊं, वेनम 2 का, जिसको आप देखेंगे और मैं भी देखूंगा और मिलके बैठ के रिएक्शन देंगे और आपका रिस्पांस क्या होगा और मेरा रिस्पांस क्या होगा कि ट्रेलर के बारे में, और ट्रेलर जैसा होगा क्या वैसी फिल्म होगी, इस तरह की कुछ बातें करेंगे। वक्त ज़्यादा किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब कि ट्रेलर को शुरू करते हैं, ताकि आपके भी वक्त की बचत हो और मेरी भी बचत हो और शुरू से स्कूल से देखें। तो कैसा लगा आपको मूवी का ट्रेलर? लेवल का था? आपको क्या क्या उसके फेवरेट सीन उसमें नजर आए हैं? मेरे फेवरेट सीन से जब वो एक स्टैचू के ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद वो सबसे सेकंड वाला जो फेवरेट सीन था वो था कि वेनम साहब खुल के चिंगारते हैं और कुछ पीछे से कुछ ऐसा समथिंग था, कुछ निकलता। और मेरा तीसरा और फाइनल फेवरेट सीन है जब वो पुलिस वाला या कोई चल रहा होता तो पीछे से आगे उसकी गर्दन को पकड़ता और जिस तरह जो विलन के अंदर कोई इंजेक्ट करता है या कोई चीज़ उसे खींचने की कोशिश करता और विलन अपने असल रूप में बाहर आ जाता। मुझे तो खैर ये सीजन बेहतरीन और ये जो सीन है इसके बड़े लेवल के लगे। और आपको इस सीन में क्या लगा? टॉम हार्डी तो पता है ऑल टाइम मेरा फेवरेट एक्टर है, और मार्वल की तो बात ही गलत है, क्योंकि वेनम का पहला पार्ट हर बंदे को पसंद आया था और वेनम का दूसरा पार्ट भी तो उम्मीद है ना हर बंदे को पसंद होना, और हर बंदे की टॉम हार्डी जैसा लेवल का एक्टर अगर इन जैसी मूवीज में होगा ना तो मूवीज वैसे ही बेहतरीन किस्म की होंगी। इसकी एक्टिंग बंदे की, इसका डायलॉग, इसका एक्शन, इसका सब कुछ। और जहाँ बात आ जाती है बड़े एक्टर के साथ काम करने के साथ मार्वल की, वो तो अखीर ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जिस तरह बड़ा एक्टर होगा उसी तरह बड़ी प्रोडक्शन होगी और फिल्म भी बिगेस्ट होने वाली है। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में, नेक्स्ट सीजन के रिव्यू में और नेक्स्ट कुछ बिगेस्ट चीज़ के रिव्यू में। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और जाते जाते जो कोई चीज़ पकड़ के हाथ में आती है ना बस अपने भाई को सब्सक्राइब करो और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट मेरा फटाफट पूरा करो, दिल खुश करा दो। चलता हूँ, मिलेंगे फिर, शुक्रिया।